ये से बड़ी खबर आ रही है यमन की तरफ से, जहां यमन के अदन हवाई अड्डे पर जोरदार बम धमाके हुए। इन धमाकों में यमन के प्रधानमंत्री बाल बाल बचे हैं। यमन के अदन हवाई अड्डे पर बुधवार को जोरदार बम धमाके हुए। इन धमाकों में कम से कम 22 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 50 लोग घायल हो गए। ये धमाके उस समय हुए जबकि एक विमान यहाँ पे नई गठित सरकार के मंत्रियों को लेकर पहुंचा। एयरपोर्ट पे कम से कम 2 धमाके सुने गए। यमन ने इस हमले के पीछे ईरान समर्थित यहूदी विद्रोहियों को बताया है। बम धमाकों के तुरंत बाद एयरपोर्ट पर फायरिंग की भी आवाज सुनी गई। Thank you.